मोदी रूस में हैं। व्लादिमीर पुतिन के नियुक्ति पर वो 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं। 5 साल बाद पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। सभी की नजरें पीएम मोदी के इस दौरे पर हैं। रूस और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोप के बीच संबंध तनावपूर्ण है, खास तौर पर यूक्रेन संघर्ष और नाटो विस्तार की वजह से। ऐसे में भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना पश्चिमी देशों को चिंता में डाले हुए है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी हैं ऐसी वजहें जो भारत का रशिया दौरा पश्चिमी देशों को परेशान कर रहा है। दरअसल भारत और रूस के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग बेहद मजबूत हैं। यदि भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते होते हैं या भारत रूसी हथियार खरीदता है तो ये पश्चिमी देशों के रक्षा उद्योगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जो कि भारतीय रक्षा बाजार में हिस्सेदारी की कोशिश कर रहे हैं। रूस एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश है। यदि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ता है, जैसे कि तेल और गैस की आपूर्ति समझौते, तो ये पश्चिमी देशों के ऊर्जा कंपनियों के लिए चुनौती बन सकते हैं। भारत और रूस कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और संयुक्त राष्ट्र। यदि इन मंचों पर भारत और रूस के बीच सहयोग बढ़ता है तो ये पश्चिमी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुनौतियां पैदा कर सकता है। रूस तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी भारत के साथ सहयोग कर रहा है, ये पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भी वे भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं। और भारत और रूस के बीच व्यापार और निवेश के बढ़ते संबंध भी पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। यदि भारत रूसी बाजार में अधिक निवेश करता है या रूस से अधिक व्यापार करता है तो ये पश्चिमी व्यापारिक हितों को प्रभावित कर सकता है।